बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को मंगलवार को गुजरात के सूरत से अरेस्ट कर लिया गया। युवक का नाम अंकित मिश्रा है, उसे सूरत के लस्करा से अरेस्ट किया गया। युवक ने गूगल से मुख्यमंत्री के ऑफिस का नंबर सर्च किया और व्हाट्सएप के जरिए नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दे डाली। खबर सामने आते ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। गुजरात क्राइम ब्रांच की मदद से बिहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को आरोपी को पटना लाया जाएगा, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। युवक ने नीतीश कुमार को धमकी क्यों दी और वो कहां का रहने वाला है, इन बातों को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 28 साल के अंकित मिश्रा ने 20 मार्च को इंटरनेट के जरिए से एक मीडिया चैनल से संपर्क किया था और 36 घंटे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी दे दी थी। मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस ने गुजरात क्राइम ब्रांच से मदद मांगी। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई और बिहार पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। फिर बिहार पुलिस वहां पहुंची और आरोपी अंकित को गुजरात पुलिस ने पटना पुलिस को सौंप दिया। आरोपी के मोबाइल से और भी कई नंबर मिले हैं। आरोपी सूरत में मजदूरी करता है। पूछताछ में उसने रैंडम मैसेज करने की बात कबूल ली है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा तो नहीं है।